नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेटपुर में। हम लोग इस चैनल के माध्यम से JPSC, JSSC और झारखंड के सभी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, जिनमें से झारखंड का इतिहास फिलहाल चल रहा है और झारखंड के इतिहास के क्रम में 6 वीडियो अपलोड हो चुका है। आज 7वां वीडियो है। तो आज हम लोग क्या देखेंगे झारखंड में, आज देखेंगे जो यहाँ के जो जनजाति है, जो आदिवासी है, ठीक है, जनजाति का इतिहास देखेंगे, जनजाति का इतिहास देखेंगे और साथ में देखेंगे ऐतिहासिक युग। क्या देखेंगे? ऐतिहासिक युग। इनसे क्या होता है, चाहे जेपीएससी हो, जेएसएससी सचिवालय हो, कोई भी एग्जाम हो झारखंड के, सभी में प्रश्न देखने को मिलता है, ठीक है। तो इनके पहले का वीडियो जो नहीं देखे हैं, पार्ट 6 तक जो वीडियो नहीं देखे हैं, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप प्लेलिस्ट से उन पार्ट 6 तक वीडियो देख लें। आज हम लोग शुरू करेंगे क्या, जनजाति का इतिहास, ठीक है। तो जनजाति का इतिहास में सबसे पहले देखेंगे कि ये आपको जानना होगा कि झारखंड में 32 प्रकार की जनजातियां हैं, ठीक है। ये तो आपको याद ही होगा, झारखंड में 32 प्रकार की जनजातियां हैं और इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 342 में, समझेंगे। अनुच्छेद 342 के तहत राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित है झारखंड में 32 प्रकार की जनजातियाँ। तो ये आप याद रखेंगे, खास करके JPSC और सचिवालय लेवल में अनुच्छेद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 342, ठीक है। अनुच्छेद 342 के अकॉर्डिंग ही क्या किया गया है, 32 जनजातियों को अधिसूचित किया गया है और जनजातियों को जो अधिसूचित किया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। एग्जाम में हमेशा एक स्मार्ट और स्टैंडर्ड तैयारी मांगता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे खड़िया, बिरहोर और असुर, ये तीन जनजाति जो है, ठीक है, खड़िया, बिरहोर और असुर, इनका डिटेल से पढ़ेंगे। खड़िया, बिरहोर, असुर, ये तीन जनजाति झारखंड की बिल्कुल प्राचीनतम जनजाति है। इसके पहले हम जो मुंडा, नागवंशी, उराव या ढोकलो सोहर, जो मानकी, मतलब जो शासन व्यवस्था पढ़े थे, वो सब बाद की है। उससे भी पहले यहाँ की जो प्राचीनतम जनजाति है वो आपका खड़िया है, वो बिरहोर है और ये आपका क्या है, युराव है। ये तीनों झारखंड के सबसे ये जो है आपका खड़िया, बिरहोर और असुर, झारखंड की जो है प्राचीनतम जनजातियाँ हैं। इसके बाद आपको पता होगा, जिसका जो मेरा पहला वीडियो था, जो बताए थे कि 21,000 मुंडा के साथ झारखंड में मुंडाओं का आगमन हुआ था, जिसका नेतृत्व रिसा मुंडा अर्थात रीता मुंडा ने किया था और यहाँ इतना नागू देखा कि इसका नाम रख दिया छोटा नागपुर। तो इस तरह से कहानी जो है, उन सभी वीडियो को आप देख लें, बहुत ही आपको मन लगेगा। तो मुंडा जो आए, तो मुंडा से पहले की जनजाति ये सब खड़िया, बिरहोर और उराव है, ये असुर है। और मुंडा और उराव, मुंडा आए, मुंडा के बाद उराव आए और उराव के बाद झारखंड में हो का आगमन हुआ है। हम आगे डिटेल बताएंगे कौन कहाँ से आए, ठीक है। तो आपने देखा, और एक क्वेश्चन आता है कोरवा। कोरवा जनजाति क्या है, ये मिड की जनजाति है, बीच की जनजाति है। जैसे एक होता है प्राचीनतम जनजाति जो यहाँ पहले थे, और एक होता है बाद में आने वाली जनजाति, एक होता है बीच में जिसे मध्यस्था कहते हैं। तो कोरवा जो है, इसको बीच का जनजाति कहा जाता है, अर्थात प्राचीन और मध्य के, प्राचीन और बाद, प्राचीन और यहाँ बाद हो जाएगा, ठीक है, प्राचीन और बाद, इनके मतलब प्राचीन और बाद, तो बीच में जो जनजाति आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोरवा जनजाति कहते हैं। इसके बाद झारखंड में चेरो, खरवार, भूमिज और संथाल। संथाल तो कहते हैं कि 1000 ईसा पूर्व के बाद, कहने का मतलब क्या है, झारखंड में 32 जनजाति में लगभग सभी जनजातियों का आगमन झारखंड में हो चुका था। सब अलग अलग क्षेत्र से आकर यहाँ पे बसे थे। तो 32 जनजातियों में से कुछ जनजाति को मतलब मान्यता जो मिला है जनजातियाँ में, वो 2003 को मिला, जिसका हम लोग चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। 2003 में कुछ जनजातियों को क्या मिला है, मान्यता मिला, लेकिन जितना भी जनजाति है सब का आगमन 1000 ईसा पूर्व से पहले हो चुका था। लेकिन संथाल जो था, एक बहुत बाद में यहाँ पे आया, जब यहाँ पे हमारे झारखंड में पहाड़िया लोग, ये घटना आपका 1772 से 1782 के बीच है, जब हम लोग झारखंड के जनजातीय विद्रोह को पढ़ेंगे, हम लोग झारखंड का सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, JPSC या JSSC जो भी है, पूरा सिलेबस को एकदम बारीकी से पढ़ेंगे। तो जब यहाँ पे पहाड़िया विद्रोह चल रहा था, उसमें आपने देखा था कि मतलब उसमें देखेंगे आप
कि यहाँ पे संथालों का जो है सो किस तरह से प्रवेश अंग्रेजों ने करवाया था। और कुल मिलाकर यही कहें तो जितना भी जनजाति है सबका आगमन हो चुका था, सबसे अंत में अगर कोई आया है तो वो आपका संथाल आया। संथाल भी 32 में से एक जनजाति है, ठीक है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे खड़िया और बिरहोर, क्योंकि खड़िया बिरहोर प्राचीनतम जनजाति है। तो खड़िया बिरहोर जो है सो कहाँ से आए, ये जनजाति झारखंड में आए तो कहाँ से आए, तो ये आए थे कैमूर की पहाड़ी से। अब कैमूर की पहाड़ी कहाँ पर है तो आप इसे क्या करें, गूगल से सर्च कर सकते हैं। मध्य प्रदेश से मैं ये सीरीज होता है, पहाड़ी कोई एक जगह विशेष नहीं होता, पहाड़ी का एक सीरीज होता है, ठीक है। पहाड़ी का क्या होता है, सीरीज होता है। तो कैमूर की पहाड़ी का जो है सीरीज है रोहतासगढ़ तक फैला हुआ है, जो कि एमपी से स्टार्ट होता है। तो एमपी कह सकते हैं, एमपी इसका कह सकते हैं, कैमूर की पहाड़ी एमपी में। तो कैमूर की पहाड़ी से होते हुए ये खड़िया और बिरहोर छोटा नागपुर में आए थे, ठीक है। मुंडा के बारे में चर्चा करेंगे, फिलहाल खड़िया और बिरहोर की चर्चा कर लिए। खड़िया और बिरहोर जो आए थे कैमूर की पहाड़ी से आए थे। अब हम बात करेंगे मुंडा। आपने पढ़ा था मेरा पार्ट वन वीडियो जो था, इतिहास का पार्ट वन वीडियो, कि मुंडा लोग 21,000 मुंडाओं के साथ यहाँ पर पहुँचे, ठीक है। लेकिन वो कहाँ से आए और कब आए, कहाँ से आए और कब आए आज तक पता नहीं चला है, ठीक है। आज के इतिहासकारों ने ये पता नहीं कर पाए कि मुंडा जनजाति का झारखंड में आगमन कब हुआ और कहाँ से हुआ। क्योंकि मुंडा के जब मदरा मुंडा एक बच्चा को पालता है, वही मुंडा जो यहाँ पे आए थे, मदरा मुंडा जब एक बच्चा को पालता है फणी मुकुट राय, और वह एक नया वंश का स्थापना करता है जिसका नाम रहता है नागवंशी नागवंश, तो उसके पहले तो मुंडा आए। तो ये तो ठीक है, हमने यहाँ पढ़ा नागवंशी का स्थापना 83 ईस्वी में हुआ था, इस मतलब प्रथम शताब्दी में, इसको आप कह सकते हैं, ठीक है। हमारा सारा वीडियो आप देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको एक अच्छी तरह से क्या हो, जे पी एस सी हो जे एस एस सी हो उसका तैयारी अच्छी तरह से आपका हो सके। तो 83 ईस्वी में आपने देखा कि नागवंशी का स्थापना हुआ और 64 में से उस बच्चा को पाया गया था। लेकिन उसके पहले यहाँ पे तो मुंडा का आगमन हो चुका था, लेकिन मुंडा कब आया कहाँ से आया ये निश्चित नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि झारखंड में निम्न जातियों में से कौन सी ऐसी जाति है जिसका आगमन और समय अनिश्चित है, तो आपका क्या होगा, मुंडा होगा। और मुंडा के बाद में ही जो आए वो नागवंशी आए, जिसका कहानी हम पहले वीडियो में बता चुके हैं तो इसमें नहीं बताएंगे। अब हम बात करेंगे युराओं का, क्योंकि मुंडा के बाद झारखंड में जो आगमन होता है वो युराओं का होता है। तो युराओं जनजाति कहाँ से आए थे, तो युराओं जनजाति झारखंड में जो आए ये दक्षिण भारत से आए थे। लेकिन युराओं जनजाति का दो शाखा पहुँचा था, ये आपका यहाँ पे मैप बनाते थोड़ा सा ध्यान देंगे ये, ठीक है। युराओं जनजाति दक्षिण भारत से झारखंड पहुँचे, ठीक है, दक्षिण भारत से झारखंड पहुँचे, लेकिन इसका दो शाखा पहुँचे थे झारखंड। तो एक क्या किए, एक राजमहल में बस गए और एक शाखा कहाँ चला गया, पलामू तरफ चला गया। तो युराओं जनजाति दक्षिण भारत से आए थे और एक राजमहल, आपको पता है राजमहल साहिबगंज में पड़ता है, ठीक है, और पलामू। इनके बाद हम ये बता चुके हैं आपको, 1000 ईसा पूर्व तक सभी जनजातियों का आगमन हो चुका था केवल संथाल को छोड़कर। तो ये आपने देखा कि यहाँ 32 प्रकार की जनजातियों में कुछ कुछ जातियाँ किधर से आकर यहाँ पे प्रवेश किया है और यहाँ पे बसे हैं। अब लोग देखेंगे झारखंड की जो जनजाति है, झारखंड की जो जनजाति है उसको आदिवासी भी कहा जाता है, यादिम जाति भी कहा जाता है, वनवासी भी कहा जाता है, गिरिजन भी कहा जाता है। लेकिन सर्वाधिक जो प्रचलित शब्द है वह आदिवासी ही प्रयोग किया जाता है। तो आदिवासी का तात्पर्य यही निकलता है कि आदि काल से रहने वाले लोग, प्राचीन समय से रहने वाले लोग को हम लोग क्या कहते हैं, आदिवासी कहते हैं। तो यह जान चुके हैं कि 32 प्रकार की जनजातियां हैं, तो 32 में से 8 जो है बहुत प्राचीन है जिसको लोग आदिम जनजाति कहते हैं, 8 जो है बहुत प्राचीन है जिसको हम लोग कहते हैं आदिम जनजाति। दैट मीन्स 240 लाख साल पहले जब प्राइमेट्स की उद्भव हुआ था उस समय की बात है, ठीक है। तो 8 उसके बाद जो प्राइमेट के बाद होमोनाइड होमोसेपियंस, ये सब का डिटेल्स जानकारी के लिए क्या करें, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि भारत का इतिहास जब प्राचीन इतिहास शुरू करेंगे वहाँ डिटेल बताएंगे। वहाँ पे अभी क्या चल रहा है, आधुनिक भारत। तो आधुनिक भारत, भारत का बता रहे सेंट्रल लेवल में, आधुनिक भारत का इतिहास आपको पढ़ना है तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट से जाकर
प्लेलिस्ट से जाकर उन वीडियो को देख लें। वहाँ पे आधुनिक भारत बन रहा है वीडियो, इसके बाद क्या होगा मध्यकालीन और प्राचीन भी बनेगा, जहाँ पे आपको हम बताएंगे किस तरह से प्राइमेट, होमोनिड, होमोनाइड, होमोसेपियंस, यहाँ मतलब आदमी का जो विकास हुआ ना प्राचीन काल में कैसे हुआ था, सारा डिटेल बताएंगे, नवपाषाण काल, पूरा पाषाण काल टोटल। ठीक है, तो हम बताएं कि 8 32 में से 8 जो है वो है आपका है आदिम जनजाति। आदिम का मतलब क्या होता है, बहुत प्राचीन। तो वो कौन कौन है, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी जनजाति आदिम जनजाति नहीं है, तो क्या करना होगा, इसको आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं और ध्यान से, तो ये आपको याद हो जाएगा। एक आपका बिरहोर है, दूसरा आपका कौरवा है, फिर है आपका असुर है। नाम से पता चल रहा है कि ये सबसे प्राचीन है, क्योंकि मुंडा उंडा तो बाद में आया था। ठीक है, इतिहास हमेशा समझना चाहिए। इसके बाद के परहिया है, सबर है, बिरजिया है, सूर्या पहाड़िया है और माल पहाड़िया है। अभी आप इनका इतना परिचय याद रखें कि ये 8 आदिम जनजाति है। इसके बाद हम 3200 जनजाति को बहुत ही इंटरेस्टेड और इंटरेस्टिंग वे से पढ़ेंगे, जिससे आपको भी काफ़ी अच्छा लगेगा और सब बातों बातों में आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा जब हम 3200 के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, अब जनगणना सेंसस का चर्चा करेंगे 2011 का। तो झारखंड में जो 32 प्रकार की जनजाति है, 32 प्रकार की जो जनजाति है, तो कुल जनजातियों की जो संख्या है वो आपका कितना है, 86 लाख है, 86,45,000 है। ठीक है, याद रखेंगे, जो झारखंड की कुल जनसंख्या का 26.2% है। तो आपने देखा कि मतलब आदिवासियों की जो जनजातियों की जो संख्या है कितना, इसको भी याद रखेंगे, ये आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये प्रतिशत तो फिर आपको आज ही रखना है, क्योंकि डाटा बहुत कम, लेकिन प्रतिशत बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। इसके बाद आदिम जनजाति जो 8 है, 32 में 32 आदिवासी में 8 क्या कहलाता है, आदिम कहलाता है, जिनका नाम भी यहाँ पे है, उन वो 1% भी नहीं झारखंड में, 0.72 है। ठीक है, 1% भी नहीं है, आधे से जनसंख्या बोलेंगे इनका, तो कितना हो गया, 1,92,000 है, 1,92,425 है। तो लगभग 2 लाख के समथिंग, 2 लाख के समथिंग है, और प्रतिशत में 1% से भी कम है आदिम जनजाति। हालांकि आदिम जनजाति को अभी करंट में कुछ आरक्षण दिया गया है, तो हमारा जो करंट का वीडियो अपलोड होगा हम उसमें इसके बारे में और डिटेल से बताएंगे। ठीक है, अब जो हमारी जनजाति है, झारखंड की जो जनजाति है, 3200 जो जनजाति है, उनका निवास देखिए अभी भी कितना है, 92.86 है, यानी 92% गाँव में रहते हैं, और 7. कितना है, 14 ये आपका शहर में रहते हैं। शहर में अभी भी आदिवासी की संख्या बहुत कम है, देख आप देख सकते हैं 92% जो है सो गांव में रहते हैं, कौन जनजाति, जो 3200 जनजाति है। इनके बाद प्रजाति कहने का मतलब जो आदमी है, जो मनुष्य है, उनको अलग अलग प्रजाति के मतलब प्रजाति के आधार पर प्रोटोस्टाइड और ऑस्ट्रलाइड इस तरह से बांटा गया, मंगोलाइड आदमी की जो है लोग जो मनुष्य है उसको अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है। ठीक है, अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है, तो मंगोलाइड होता है, कुछ ऑस्ट्रलाइड होते हैं, कुछ प्रोटोस्टाइड होते हैं। तो झारखंड की जो जनजातियां हैं 3200, झारखंड की जो जनजातियां हैं, सारा जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रलाइड में आता है, याद रखेंगे, ये फिक्स क्वेश्चन है और लगभग एग्जाम में आते हैं। झारखंड की सभी जनजातियां जो है प्रोटो ऑस्ट्रलाइड में आता है, कुछ कुछ मंगोलाइड होता है, कोकोसाइड होता है, तो वो सब झारखंड में निवास नहीं करते हैं। हम लोग प्राचीन भारत में पढ़ेंगे मंगोलाइड के बारे में, कोकोसाइड के बारे में, ऑस्ट्रलाइड के बारे में। ठीक है, ये तो प्रजाति आपने देखा। अब भाषा की बात करें तो झारखंड में जो जनजातियों की भाषा है, जो जनजातियों की भाषा है, तो भाषा के आधार पर 3200 जनजाति को 2 ग्रुप में बांट दिया गया है, भाषा के आधार पर। और ये जो बांटने का काम किया है उसका नाम क्या है, ग्रेशन है। तो याद रखेंगे कि ग्रेशन के अनुसार जो है भाषा के आधार पर झारखंड के आदिवासियों को 2 समूह में बांटा गया है। एक समूह का नाम है आस्ट्रिक और एक समूह का नाम है द्रविड़ियन। एक समूह का नाम क्या है, आस्टिक है, और एक समूह का नाम है द्रविड़ियन। तो आस्टिक समूह को लोग मुंडा समूह भी कहते हैं और द्रविड़ियन का कोई अन्य नाम नहीं है। तो 32 जनजातियों की जो भाषा है सब लगभग आप याद रखेंगे, सब जो है मुंडा भाषा ही बोलता है या तो आस्टिक भाषा ही बोलता है। केवल 3 जनजाति, 32 में से 3 जनजाति है, एक आपका युराव है। तो युराव जो भाषा बोलता है, इस भाषा को लोग कुड़ुक कहते हैं। ठीक है, युराव जो भाषा बोलता है, ये भाषा को लोग कुड़ुक कहते हैं। एक्सेप्शन है, बहुत जो एक्सेप्शन है वही तो एग्जाम में पूछता है। जो नॉर्मल तो देखिए सब तो वो आष्टिक भाषा में आता है, जितना भी जनजाति है कौन सा भाषा में आता है, आष्टिक में आता है। लेकिन युराव कौन सा भाषा बोलता है,
कुरुक बोलता है। तो ये आपका एक्सेप्शन है और यही एग्जाम में पूछता भी है, युराव कुरुक, और एक आपका सोरिया पहाड़िया है, एक आपका माल पहाड़िया है। तो सोरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया दोनों आपका आदिम है, आदिम जनजाति, ये भी ध्यान रखना होगा, ठीक है। माल पहाड़िया सोरिया पहाड़िया, तो सोरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया जो है ये दोनों का जो भाषा है ये मालतो, इसका भाषा का नाम है मालतो। तो तीन जनजाति ही ऐसा है जो द्रविड़ियन समूह की है, बाकी वह सारा जनजाति जो है आपका आस्टिक समूह का है। इनके बाद हम बात करेंगे जो झारखंड के जो आदिवासी हैं, जो झारखंड के आदिवासी हैं इनका रंग रूप चेहरा जो है आकार जो है जो देखने में मिलता जुलता है। श्रीलंका में एक आदिवासी है और आदिवासी बेड्डा, तो श्रीलंका के आदिवासी से झारखंड के आदिवासियों का मतलब पूरा शक्ल जो है रूप जो है सब कुछ मिलता जुलता है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया, तो याद रखेंगे श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के जो आदिवासी है झारखंड के आदिवासी जैसा ही मिलता जुलता है, बिल्कुल वैसा ही है। तो अभी आपने देखा कि यहाँ का जो परिवार है जनजाति का परिवार वो एकल होता है। इससे पहले हम एक बुक का चर्चा करेंगे, आप जे पी एस सी का कैंडिडेट है तो उसको परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये आपका प्रायोजन पब्लिकेशन दिल्ली के द्वारा प्रकाशित किया गया है, जिसके लेखक जो है राजीव कुमार दुबे हैं। तो बुक आप देख सकते हैं, इसका कवर पेज है, इसको एक बार आप देख लें। देखिए अब हम बात करते हैं ऐतिहासिक युग। अभी तक हम जनजातियों के इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे, आप पढ़ेंगे ऐतिहासिक युग। इसके पहले का वीडियो में बताया था इतिहास को जो तीन भागों में बांटा गया एक तरह से लिखित के आधार पर, जैसे एक होता प्रागैतिहासिक काल, एक होता आदि ऐतिहासिक काल, एक होता ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में जब लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, और आदि ऐतिहासिक काल में लिखित मिला लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका। और ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल क्या होता है, जिस समय हमारा बौद्ध धर्म, जैन धर्म, चंद्रगुप्त मौर्य ये सब समय थे, उस समय ऐतिहासिक था क्योंकि उस समय सब कुछ लिखा हुआ मिला हुआ है, तो ऐतिहासिक था। तो झारखंड में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का, झारखंड का जो है विशेष संबंध रहा है बौद्ध धर्म से भी और जैन धर्म से। और खास कर एक क्वेश्चन जो है बौद्ध स्मारक, तो बौद्ध स्मारक जो है वो आपका दो जगह से मिला है, धनबाद के दलसी से और बुद्धपुर से, धनबाद के दलसी से और धनबाद के बुद्ध पूर्व से। और इतना ही नहीं, जो बौद्ध मूर्तियाँ थी, बौद्ध मूर्तियाँ थी झारखंड के अनेक जगहों से मिला है, जिनमें से कुछ प्रमुख है जिनका हम यहाँ चर्चा भी किए हैं, ये आप आज भी रखेंगे, ठीक है। रांची के जोना प्रपात, यहाँ से भी बुद्ध की मूर्तियाँ मिली है, ये चार जगह जो है बुद्ध की मूर्तियाँ प्राप्त हुई है, रांची के जोना प्रपात। इसके अलावा गुमला के कुटगा गाँव, गुमला के कुटगा वहाँ से मिला है। इसके बाद जमशेदपुर का जो भूला है, जगह पड़ता है जमशेदपुर में। इनके अलावा धनबाद का ईचागढ़, इन सभी, इन चारों जगह से क्या है ये बौद्ध की मूर्तियां प्राप्त हुआ है। अब हम बात करेंगे जो जैन धर्म का जो तैसवां तीर्थकर था, इनके अलावा जब नेक्स्ट वीडियो यहां पे आएगा धार्मिक और कल्चर के बारे में जब पढ़ेंगे तो वहां आपको ये भी बताएंगे कि 24 जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए थे, तो 24 में से 20 का जो निर्वाण हुआ था वो झारखंड में हुआ था, और डिटेल के साथ पढ़ेंगे, ये आपका परिचय की तरह है। तो तैसवां तीर्थकर जो पारसनाथ थे उसका भी जो निर्वाण की प्राप्ति हुआ था वो पारसनाथ में हुआ था, जो कि गिरिडीह जिला में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, गिरिडीह जिला में पड़ता है। और ये जो थे 8वीं शताब्दी में उसको निर्वाण की प्राप्ति हुआ था। साथ में जैन सभ्यता और संस्कृति का केंद्र, झारखंड में आपको पहले बता चुके हैं कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का यहाँ पे प्रसार था, तो जैन सभ्यता और संस्कृति का केंद्र जो था वो मानभूम था, क्योंकि ये फेमस है, मानभूम है, धालभूम है, सिंहभूम है, इनको आप मैप में समझेंगे बढ़िया से। मानभूम आपका जो धनबाद गोविंदपुर हजारीबाग का जो इलाका पड़ता है, धनबाद गोविंदपुर हजारीबाग का जो इलाका पड़ता है उसको पहले मानभूम कहा जाता था, ठीक है। और जो मानभूम है उसी को कहा जाता है जैन सभ्यता और संस्कृति का केंद्र। अब हम बात करते हैं यहाँ पे बौद्ध धर्म का प्रभाव कब हुआ, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बौद्ध धर्म का प्रभाव कब हुआ। तो याद रखेंगे जब समुद्रगुप्त का प्रवेश झारखंड में हुआ, समुद्रगुप्त का प्रवेश झारखंड में होते ही बौद्ध धर्म का प्रभाव हुआ था। एक शैव शासक था, शैव शासक शशांक, तो शैव शासक जो शशांक थे वो बौद्ध के विरोधी थे, और बौद्ध के विरोधी होने के कारण झारखंड में जो भी बौद्ध धर्म के स्थल थे, आपने ये भी पढ़ा होगा भारत के प्राचीन इतिहास में कि बौद्ध वृक्ष को कटवा दिया था, ठीक है। तो जो भी प्राचीन स्थल थे बौद्ध धर्म से संबंधित सारा को नष्ट कर दिया था, किसने, शशांक ने। और जिस समय पाल वंश आपका यहाँ पे था, बंगाल में था, हमारा प्राचीन भारत का जो वीडियो बनेगा उसको आप जरूर देखें, बहुत ही डिटेल्स के साथ वहाँ बताया जाएगा।
तो पाल वंश जो था ये बंगाल में था, जिसका स्थापना गोपाल ने किया था। उसमें फेमस एक धर्मपाल है जो मुंगेर में विश्वविद्यालय है विक्रमशिला, उसको बनाया था। तो पाल वंश जिस समय बंगाल में थे उस समय झारखंड में बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय, जिस तरह से आपने पढ़ा है बौद्ध धर्म का हीनयान महायान, ये क्या है संप्रदाय है, हीनयान महायान संप्रदाय है बौद्ध धर्म का। तो बौद्ध धर्म का एक और संप्रदाय है बज्रयान। तो ये बज्रयान जो है जिस समय पाल वंश बंगाल में था उस समय झारखंड में बौद्ध धर्म की बज्रयान शाखा फल फूल रही थी, फेमस हो रही थी। याद रखेंगे ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आने लायक है जेपीएससी और सचिवालय में खास करके। इसके बाद कनिष्क के सिक्के जो है आपका रांची से मिले हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़े, झारखंड का प्राचीन मतलब ये जनजातियों का इतिहास पढ़े और ऐतिहासिक युग पढ़े। इनके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो यहाँ के जनजाति है उनका डिटेल्स पढ़ेंगे और ऐतिहासिक युग का आगे पढ़ेंगे क्या मतलब घटनाएं हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।